तो गाइस ये रहा अपना एन जी के का इरिडियम स्पार्क प्लग, ये रहा ये रहा, अरे क्या, हाँ इरिडियम CPR8EAIX-9 ये ऐसा कोड है। और ये अराउंड ये रहा इसका MM, ठीक है, घड़ी अपनी गाड़ी इसमें लगेगा यहाँ पर। तो पुराना निकालेंगे, पुराना उसको कंपेयर करेंगे, रख के यहाँ पर देन फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ी सीधी कर लेता हूँ एक बार, तो ये है, ये तो पुराना वाला है अपना नॉर्मल, ये भी एन जी के का ही है शायद, ये एन जी के का, लेकिन ये अपना ये नया वाला जो है इरिडियम है, दोनों की टिप का डिफरेंस दे सकते हैं। इसकी टिप पतली है यहाँ से, ठीक, इसकी टिप मोटी है यहाँ से आगे से, इसकी टिप मोटी है। अरे गर्म हो रखा है अभी सारे, चलो अदला तो पहला स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये लग चुका है अपना इसमें एन जी का स्पार्क प्लग। जो पैकेजिंग आती है वो कुछ ऐसी आती है, लगभग 830 रुपये लिखे हैं इसमें। सो कुछ इस पैकेजिंग में आया था LRLMotors.com, इट्स लीव बाइक रिपीट, स्लोगन्स तो काफ़ी अच्छे लिख रखे हैं भाई, 887 रुपीज़। सो या गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आपने वीडियो में देखा है अभी कि मैंने अपनी CB350 में जो है स्पार्क प्लग अपग्रेड करा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं ये है अपना नया स्पार्क प्लग इरिडियम IX स्पार्क प्लग, जो कि NGK का है। अभी भी मेरी गाड़ी में जो नॉर्मल स्पार्क प्लग लगा हुआ था वो भी NGK कंपनी का ही था, बट दिस टाइम आई हैव अपग्रेडेड विद दिस इरिडियम स्पार्क प्लग, जो कि मैंने LRL Motors, ऑनलाइन आप जाएंगे अगर डालेंगे इरिडियम का स्पार्क प्लग फॉर CB350 तो LRL Motors करके वेबसाइट है, वहाँ से आपको जो है मिलेगा। आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, परचेज लिंक डायरेक्ट उसी का, तो डायरेक्ट आप वहीं से परचेज करें, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर आपको नहीं मिलेगा। सो लगभग मुझे पड़ा था ये 800 रुपये का समथिंग ऑनलाइन विथ शिपिंग चार्ज, और शिपिंग जो है ये आई है नीचे साउथ से आई है, तो मुझे लगभग आने में लगभग 5 दिन लगे थे आने में, तो मैंने आज आगे इंस्टॉल करा लिया। तो इनिशियली अभी तो मैं जब गाड़ी चलाई है तो उसका तो रिव्यू मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, वो मैं आपको मोटर ब्लॉगिंग के उसमें दूंगा। पर अभी जैसे मैं चला के घर पे लाया तो मुझे इनिशियल जो पंच था गाड़ी का, जो आप जो भी 350 ओनर से जो चलाते हैं उनको पता है कि स्टार्टिंग में इनिशियल में गाड़ी हल्का सा लैग करती है, फिर एक पेस पर आकर के जो है वो अपना परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। तो इनिशियल लैग जो था वो इससे हल्का सा कम हुआ है, नॉट वेरी बिग चेंज, ऐसा नहीं है, बहुत हल्का सा जो है इसका इनिशियल लैग कम हुआ है। और जो मिड रेंज है जो गाड़ी की वो पहले से बहुत अच्छी हो गई है, ऑलरेडी पहले भी गाड़ी की मिड रेंज अच्छी थी पर इसके लगाने से और अच्छी हो गई है, नॉट ग्रेट पर अच्छी हो गई है। तो इतनी सी चीज़ का क्यों लगवाया मैं नॉर्मल स्पार्क प्लस से थोड़ा महंगा है, वो इसलिए क्योंकि इसकी तो लाइफ इज़ अराउंड 30,000 किलोमीटर्स प्लस में भी जाता है, अगर आप इसको टाइम टू टाइम क्लीन कराते रहेंगे, इसके ऊपर कार्बन डिपोजिट साफ कराते रहेंगे, तो 30,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलेगा ये एक स्पार्क प्लग, जो कि सफिशेंट है। और दूसरा इसका जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूल बहुत अच्छे से बर्न करती है, ठीक है, तो आप अगर इग्निशन अच्छा है गाड़ी का, अगर फ्यूलिंग बर्निंग प्रोसेस गाड़ी का अच्छा होगा तो नॉर्मल सी बात है आपको जब परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी, जब आप थ्रॉटल लेंगे तो गाड़ी परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी, और जब आपको जब गाड़ी से फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है तो उस टाइम में भी स्पार्क अच्छे से होगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छा आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। सो माय इनिशियल इंप्रेशन इज़ वेरी गुड, लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा। सो ये था वीडियो गाइस अपनी नई स्पार्क प्लग से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि जिन जिन को भी ज़रूरत है उनके लिए हेल्प हो जाए। थैंक्स गाइस, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक राइट सेफ, टेक केयर, बाय बाय।